भारत की स्वतंत्रता की कहानी, भारत की स्वतंत्रता की कहानी सदियों पुरानी गुलामी, संघर्ष, त्याग और बलिदान की कहानी है। भारत पर 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन रहा। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना व्यापार शुरू किया और धीरे धीरे पूरे देश पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। इस काल में भारत के नागरिकों पर अत्याचार और शोषण किया गया, जिससे जनता में असंतोष और आक्रोश बढ़ता गया। 1857 में भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई, जिसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। इस आंदोलन ने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी, लेकिन इसे दबा दिया गया। फिर भी इसने स्वतंत्रता की चिंगारी को और अधिक तेज कर दिया। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों पर आधारित स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कई आंदोलनों शुरू की, जिनमें 1920 का असहयोग आंदोलन, 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन प्रमुख थे। इन आंदोलनों में लाखों भारतीयों ने भाग लिया और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई। स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू जैसे महान नेताओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भगत सिंह और उनके साथियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देशवासियों में क्रांति की भावना जागृत की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष छेड़ा। अंततः लाखों भारतीयों के संघर्ष, त्याग और बलिदान के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्रता के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने और उन्होंने लाल किले से तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता की घोषणा की। यह दिन भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया और तब से हर साल 15 अगस्त को भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन हमें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष, बलिदान और देशभक्ति की याद दिलाता है और प्रेरित करता है कि हम इस आज़ादी की कीमत समझें और देश की प्रगति के लिए अपना योगदान दें। तो दोस्तों, अगर ये मोटिवेशनल वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।